बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ बल्कि क्लीनिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ कि हम लोहे के बर्तनों की सफाई कैसे करें, कैसे हम बर्तनों को साफ करें कि बर्तन हमारे एकदम चमकते से रहें। तो आज मैं आपके लिए अलग अलग तरीकों से लोहे के बर्तन को साफ करने का ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक लोहे की कढ़ाई जो कि तेल से पूरी तरह से चिकनाई से जमी हुई है और इसे हमें क्लीन करना है। इसे मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि कढ़ाई को गैस पर चढ़ाना है। इस वक्त कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ाया हुआ है और इसमें जो है अब हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। इस पानी को पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे और अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं पानी में उबाल आ रहा है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच नमक और नमक के साथ ही इस पानी को हम थोड़ा सा और उबालेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो अभी यहाँ पर फ्रेंड्स ये पानी हमारा 2 मिनट से उबल रहा है। अब मैं गैस को बंद करूँगी और इसे एक बार हम छोड़ देंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए जी। और उसके बाद से जो है हम करेंगे इस कढ़ाई की सफाई। अभी ये हमारा कढ़ाई का जो पानी है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इस पानी को हटा देते हैं और इसे हम क्लीन करेंगे डिटर्जेंट से, और चाहे तो आप थोड़ा सा स्टील का स्क्रबर भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस कढ़ाई की क्लीनिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी कढ़ाई अच्छे से चमक चुकी है, क्लीन हो चुकी है एकदम। और इसमें मैंने यूज़ किया है डिटर्जेंट का, यानी कि सिंपल से विम बार का, और स्टील वाला जो स्क्रबर हमारा होता है जूना होता है उससे मैंने अच्छे से रगड़ दिया। तो आप देख रहे हैं कि कढ़ाई हमारी कितनी बढ़िया से एकदम क्लीन चमकदार हो गई है। लोहे की कढ़ाई एकदम बढ़िया सुंदर दिखने लगी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। दूसरे तरीके के लिए मैंने यहाँ पर लोहे का तवा लिया हुआ है। इस तवे में मैंने सुबह पहले पराठे बनाए नाश्ते में, बाद में रोटी बनाई है। तो आप तवे की हालत देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तवा हमारा गंदा हो चुका है। गैस को ऑन कर लिया है और गैस ऑन करने के बाद इसमें कोई सा भी तेल या घी जो भी अवेलेबल हो वो थोड़ा सा, यानी कि लगभग एक छोटा चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इस तेल को अच्छे से पहले गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो जाए तो इसे तवे पर, पूरे तवे पर अच्छे से फैला लेते हैं। और अब इसके बाद जैसे कि मैंने एक छोटा चम्मच तेल ऐड किया था, तो यहाँ पर हम 3 छोटे चम्मच नमक के ऐड करेंगे। जितने आपने तेल डाले हैं उसका जो है 3 गुना हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। नमक को भी अच्छे से फैला लेते हैं और ध्यान रखें कि ये सारा काम हम तेज फ्लेम पर कर रहे हैं। नमक को इसी तवे पर थोड़ा सा रोस्ट होने देते हैं और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं नमक काफ़ी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। तो इस टाइम पर अब मैं गैस को बंद करूंगी, तवे को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पर नमक हमारा ठंडा हो चुका है, चलिए इस तवे की भी क्लीनिंग कर लेते हैं और इसे भी हम ऐसे ही डिटर्जेंट से साफ़ करेंगे जैसे हमने अपनी कढ़ाई को किया था। फिर आप देखेंगे कि तवा एकदम बढ़िया सा क्लीन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया है, अपना ग्रीन स्क्रबर लिया है, साथ ही ये नमक जो तवे पर पहले से था, हल्का सा पानी डाला है और बस चलिए इसे अच्छे से रगड़ लेते हैं। और नमक के साथ ही आप तवे को रगड़ेंगे तो तवे में ज़्यादा चमक आएगी। अगर आपके तवे में चिकनाई ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा स्टील वाले स्क्रबर का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे मैं थोड़ा सा रगड़ कर और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो तवा है डेली का यूज़ करने वाला वो एकदम अच्छा से साफ हो चुका है। इसे मैंने स्टील स्क्रबर से भी रगड़ा है क्योंकि इसमें चिकनाई ज़्यादा थी। अगर चिकनाई कम है तो आप सिर्फ हरे वाले स्क्रबर से भी इसकी सफाई कर सकते हैं। अगर तवा और भी ज़्यादा गंदा है तो आप थोड़ा सा साइड का भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इतना ही साफ़ किया है क्योंकि डेली यूज़ करने वाला तवा है और डेली जो है थोड़ी थोड़ी चिकनाई जमती ही है, तो बस मैंने इसे इतना ही साफ़ किया है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना तवा साफ़ करने का तीसरा और सबसे सिंपल, सबसे देसी तरीका जो कि शायद हर घर में लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली गाँवों में। तो जैसे कि तवा जब आपका चिकना हो जाए रोटी या पराठे बनाने के बाद, या फिर तवा सिंपल गंदा हो जाता है रोटी बनाने के बाद, तब आपको करना ये है, तवा लेना है और इस तरह के ईंट के छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे घरों के बाहर होते हैं या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें इस तरह के ईंट के टुकड़े मिल जाते हैं वो हमें लेने हैं। ना ही कोई डिटर्जेंट चाहिए, ना ही कुछ और चाहिए इस तरह के तवे को साफ़ करने के लिए। तो चलिए मैं आपको इस ईंट से तवे को साफ़ करना दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें करना यह है तवे को हल्का सा गीला करना है और तवे को गीला करने के बाद बस
इसी ईंट से हमें तवे को अच्छे से रगड़ लेना है। और दोस्तों, जो हमारे पास घर में लोहे के बर्तन होते हैं वो इस ईंट से बहुत अच्छे से साफ होते हैं, बिल्कुल भी बर्तन घिसते नहीं है, साथ ही सफाई बहुत अच्छी होती है। चलिए थोड़ा सा और रगड़ लेते हैं। और अब इस तवे को मैं आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो तवा है वो कितना बढ़िया चिकना, एकदम साफ चमकीला सा हो गया है। तो इस तरह से ईंट के छोटे से टुकड़े से हम अपने लोहे के बर्तनों को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं। साथ ही आपको मैंने जो दो बाकी के तरीके दिए वो भी तरीके बहुत ज़्यादा कारगर हैं। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों बर्तन रखे हैं जो मैंने आपको अच्छे से चमका कर साफ करके दिखाए हैं। लोहे के बर्तन चमकाने का ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियो में नई रेसिपीज नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। Thank you.